हमारे कर्मों को हमको स्वर्ग नर्क में भुगतना है तो पृथ्वी लोक पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या उद्देश्य है। गुरुजी, कर्मों का फल आत्मा को मिलता है या शरीर को, कृपया जिज्ञासा शांत करें। आपको टिकट विकेट है आपके पास, मतलब ये उधर स्वर्ग का है नरक का है कहीं का कोई ऐसा कुछ है कि मतलब कोई ट्रेन विरेन जा रही हो ऐसी या कोई फ्लाइट चलती हो जिसमें कि साहब आजकल कोई कंसेशनल टिकट चल रहा पैकेज चल रहा हो, कोई चलते सभी लोग चलते एक अनुष्ठान वहीं कर लेंगे चल के। एक आदमी पहुँचा मरने के बाद तो वहाँ लिखा था कि यहाँ वो एक स्टेशन था, स्टेशन पे अलग अलग लोग उतर रहे थे कि ये सब वहाँ का स्टेशन है, ये मृत्यु लोक है, ये स्वर्ग लोक है, ये नरक लोक है, ये है। तो वो स्वर्ग में जाने के लिए बैठा था कि मुझे तो स्वर्ग की टिकट थी उसके पास, लेकिन जब पहले क्या था उसने कहा कि पहले स्टेशन मैं सारे जरा देख लेना चाहता हूँ कि और बाकी लोगों की क्या हालत होती है, मृत्यु लोक कैसा है, बाकी लोग कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं। और जब मृत्यु लोक से ट्रेन गुजरी तो उसने देखा कि बड़े पूजा पाठ और बड़े 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 हवन और बड़े यज्ञ, बड़े तपस्वी साधक और बड़ी प्रकृति और बच्चे खाने पीने 50 तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो बेचारा लपलपाती जीभ से अपने अंदर बैठा खिड़की में से देखता रहा। थोड़ी देर बाद फिर नरक लोक आया, उसने नरक लोक में देखा एक से एक बड़ा फिल्म स्टार, एक से एक बड़े म्यूजिशियन, एक से एक बड़ा कलाकार, साइंटिस्ट और रावण से लेकर सब अपना बूढ़े बूढ़े बिछाए हुए पूरा वहाँ अपना मौज मस्ती और सब कुछ चल रहा है। अब स्वर्ग से जब वो उसने वहाँ भी देखा कि चलो यहाँ भी रंग रौनक काफ़ी है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, स्वर्ग की तरफ गई ट्रेन। अब जब खिड़की झांक के देखो तो बहुत दूर तक तो कोई दिखाई ही नहीं दिया। फिर थोड़ा और आगे गया तो एक आध आदमी वैसे ही अपना चारपाई सी पे अपना लेटा हुआ और मुंह भी उसने ढक रखा है अखबार से और चुपचाप लेटा हुआ। आगे गया तो दो एक आदमी चुपचाप बैठे बिल्कुल सरगर्दन लटकाए हुए। तो उसने कहा कि ट्रेन सीध आगे को जाती है कि पीछे को भी जाती है। तो उसने कहा क्या मतलब, बोले मतलब यह था जो टिकट चेकर था उससे पूछा कि भैया ट्रेन अब आगे को चल रही है, अब नरक आ गया, लास्ट स्टेशन आ गया, पर मतलब स्वर्ग आ गया तो लास्ट स्टेशन आ गया, तो मैं पीछे जाना चाहूँ तो मुझे अब वहाँ छोड़ सकेंगे क्या, फिर से एक राउंड लगा करके मैं नरक में उतरना चाहता हूँ थोड़ा। वहाँ मैंने बड़ा रंग रौनक और एक से कामयाब आदमी तो मुझे वहीं दिखाई दिया, जितने फिल्मों के सितारे थे, जितनी फिल्मों की हीरोइनें थी, जितनी सुंदर स्त्रियाँ, जितने सुंदर पुरुष, जितने गामा पहलवान दारा सारे के सारे वहीं पर ताश पत्ते खेल रहे हैं, सब मजा वहाँ रौनक है पूरी की पूरी। पहले तो दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि कुछ स्वर्ग और नरक जैसी स्थितियां कहीं कोई भौगोलिक रूप से हैं। ये मैं बड़ी आपको अनुभवजन्य बात कह रहा हूँ। जिस जीवन में सुख है, सौंदर्य है, शांति है, प्रेम है, सहिष्णुता है, आनंद है, मैत्री है, दूसरे के प्रति कुछ किए जाने का भाव है, दूसरे का मन और विचार की कद्र है और सभी प्राणी जगत के प्रति और परमात्मा के द्वारा उत्पन्न प्रत्येक अवयव के प्रति अहो भाव है, धन्यवाद है, उसका स्वीकार है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड है और उसकी योजना में, उसकी सारी संरचना में अपनी तरफ से योगदान दिए जाने का भाव है, उसका जीवन इस मृत्यु लोक में ही स्वर्ग के लोक में है, वो जीते जी ही स्वर्गीय है। हमने बड़ी बड़ी कहानियाँ हमने देखी, नामों का आगे श्री लगा दिया कि चाहे श्री हो, मतलब फटे चंद जी जेब में कुछ भी ना हो, जेब फटी भी हो पर आगे नाम के आगे श्री लगा लिया, पैसे वाले हैं, ऐसे हमने क्या क्या लिखा फिर स्वर्गीय। किसी को नहीं, अपने कोई कार्ड नहीं मिला उसमें आगे लिखो नरकीय। हमारे मतलब किसी के हमारे ताऊ जी नरकीय श्री विचित्र मल जी का फलानी तारीख को 13वीं संस्कार होगा, कोई कार्ड ऐसा आपको मिलेगा, सब स्वर्गीय है। मतलब वो माने ही बैठे हैं कि हम वहीं पहुंचेंगे सारे के सारे, जीवन चाहे नरक में बिता रहे हों 24 घंटे, हर समय परमात्मा के पदार्थों की अवहेलना करना, सारी प्रकृति का तहस नहस करना, ये जितने भी प्राणी जगत हैं, जितने कुत्ते बिल्ली कौवे चिड़िए तोते, इन सबको मारना पीटना कत्ल करना काटना, इन सबको ख़त्म कर देना, सारी प्रकृति को खत्म कर देना, लोगों के साथ हर समय बैर परेशानियां समस्याएं, ये ही तो नरक है और क्या नरक है। जहां ना है, जहां जिस चीज में नकार है वो सब नरक है, जिसमें स्वीकार है वो सब स्वर्ग है। परमात्मा की परम सत्ता का स्वीकार सर्वोच्च स्वर्ग है और ईश्वरीय अस्तित्व के प्रत्येक अवयव का नकारात्मक ढंग से नकार वो सब नरक है। देखिए जितनी भी चीज़ें नेगेटिव होती, अंग्रेज़ों ने भी हमारे यहाँ नहीं है तो उन्होंने भी शब्द नो एन से ही बनाया है, वहाँ वृश्चिक बिच्छू का ही डंक है वहाँ भी। जितनी चीज़ें अब नास्तिक और आस्तिक शब्द भी वैसे ही चलेंगे सारे के सारे, मतलब वो ना ही उन चीज़ों में लगेगा सबसे पहले। तो ये एक बड़ा सोचने वाला विषय है। आप अपने जीवन में कोई ऐसी कल्पनाएं ना करें कि जीवन को नरक जैसा बना लें किसी अनदेखे स्वर्ग की कल्पना से।
किसी हाइपोथेटिकली किसी वर्ल्ड को सोचकर अपने मन में और अपने जीवन को नारकीय बना लें जो यही स्वर्ग हो सकता था। भरपूर जीवन जियो, लिव लाइफ गॉड साइज, और जब साइज आपका गॉड जैसा होगा ना तो ये मृत्यु लोक ही स्वर्ग हो जाएगा। फिर परमात्मा तो स्वर्ग में रहता है ना, देवी देवता तो स्वर्ग में रहते हैं ना। अब हो तो गए हम राक्षस और कल्पना कर रहे हैं स्वर्ग की, तो मतलब वो मिसमैचिंग नहीं हो जाएगा, थोड़ा तो गड़बड़ी नहीं होगी वहां जाकर के। ये जरा सोचने समझने जैसी बात है। और दूसरी बात, जितने स्वर्गवासी हैं, स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में जो व्यवस्था चला रहे हैं, जो भी ये देवी देवता हैं हमारे जिनकी हमने कल्पनाएं की हैं, वो मृत्यु लोक में आने के लिए मरे जा रहे हैं, वो उतावले हैं यहाँ आकर के सारा काम काज करने के लिए। और जब परम पुरुषार्थ की स्थिति बनती है तो परमात्मा भी नहीं रोक पाते अपने आप को, इतना तेजी से प्रसव पीड़ा उठती है परमात्मिक ऊर्जा की कि जन्म लेना पड़ता है उनको। लो जी मैं भी आ गया तुम्हारे बीच में, अब मैं तुम पीछे पीछे में आ गया। कभी बुद्ध बनकर, कभी परशुराम बनकर, कभी श्री राम बनकर, कभी श्री कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध, कभी नानक, कभी कुछ भी, कितने कितने स्वरूपों में। तो फिर वो उसको छोड़कर हमारे बीच आते हैं। तो आपका जो बीच है, आपका जो समाज है, ये ही इसको आप स्वर्ग बनाइए। कर्मों का फल आत्मा को मिलता है या शरीर को? हाँ देखिए, कर्म कौन करता है? आत्मा हमेशा जब अच्छा कर्म करोगे तो अंदर विस्तारित होती है। कभी भी आप देखिएगा किसी और अगर वो देयर फॉर नहीं है, देयर फॉर समझते हैं जिस चीज की निहित अर्थ छिपी हो, जिस चीज़ का अर्थ छिपा हो। जैसे कोई लाभ हम अपने भांजे भतीजे चाचा मामा फूफा भाई बहन पिताजी माताजी किसी को जिसके साथ निहित अर्थ जुड़ा है, इसमें इतना सुख प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि वाइस वर्षा है। लेकिन ऐसा जिसे आप कभी ना जानते हो, जिससे कभी ना मिले हों, उसने आपकी मदद की हो, आपको हमेशा याद रहेगी। और आपने भी ऐसे किसी आदमी की मदद कर दी हो, आप उसे हमेशा उस सुख की प्रतीति को, किसी राह चलते अजनबी को देखकर आप कभी मुस्कुरा दिए हो और उसने भी आपको लाकर के कोई फूल पकड़ा दिया हो, वो घटना कभी भूल ना सकेंगे आप जीवन भर। तो निस्वार्थ ढंग से रोपा गया पौधा परम सुख का प्रदाता है, वो आत्मा का स्वभाव है। तो जो कर्म आत्मागत हैं, जिन कर्मों को अभी गीता का सारा चर्चा चल रही है, जो कर्म आपके आत्मा द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, मैनेज्ड किए जाते हैं, यानी जिसमें अब देखिए राजनीति जैसे विषय में भी, जहां कोई किसी प्रकार का शत्रुता और मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, कोई विचार कभी स्थायी नहीं होता, आज नेता जिस चीज का विरोध करते हैं कल उसी के बारे में स्वीकृति दे देते हैं, वहां भी एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वोटिंग की संकट आ जाए तो कहते हैं आत्मा की आवाज पर मतदान, आत्मा की आवाज पर आप मताधिकार का प्रयोग करें। जब खासतौर से कोई बड़े लेवल पर एक दो वोट का फर्क आ जाता है ना, आपने सुना होगा ये शब्द कि आत्मा की आवाज पर, अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट दें किसे देना चाहते। तो यानी कि अब सारे तत्व आपके विलीन हो गए, अब यह सिर्फ अंदर से जो आवाज आ रही है, और ये हर आदमी के पास आती है, हर आदमी को पता चलता है, मेरे साथ आपके जुड़ाव का एक बड़ा गहन बिंदु, एक बहुत गहरा सूत्र आपकी आत्मा से उठी हुई ध्वनि है। आपके अंदर से किसी एक चीज ने आपके मन मस्तिष्क पर छोटा सा एक, जैसे एक तो हथौड़ा होता है लोहार का, और एक छोटी सी हथौड़ी होती है सुनार की। तो कहते हैं 100 सुनार की और एक लुहार की, यानी लुहार मारेगा जोर से हथौड़ा और सुनार उसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके टच कर करके शेप देता है। तो वो जो सुनार की हथौड़ी है सोने की, उसने आपके हृदय मन मस्तिष्क पर कहीं हल्की सी चोट की है, तब आपने यहां मेरे साथ इस संबंध को विकसित किया है, वरना आपका मेरा संबंध जुड़ ना सकता था कभी। तो आत्मा कभी भी गलत कृत्य नहीं करती, हमारे मन बुद्धि अहंकार, हमारे विषय और विचार, हमारे व्यसन और विकार, ये हमसे डिफरेंट तरह के गलत कृत्यों को कराते हैं। अब जो गलत कृत्य शरीर के तल पर हैं, उनके परिणाम शरीर के तल पर रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने आत्मा की अनसुनी करके भी कोई कृत्य किए हैं, तो वो फिर कभी भी ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है, उनसे आप कोई बच नहीं पाते हैं। वो फिर जो हमारे पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आगे अगेन एंड अगेन कहीं ना कहीं सिंचित होते जाते हैं। वो सिंचित पुण्य भी होते हैं और सिंचित पाप भी होते हैं, और वो फिर उसके फल हमें प्राप्त होते ही हैं। तो वो आत्मा में सिंचित हो गए। जैसे मैंने बहुत बार कहा कि आप एक आपने मोबाइल का कनेक्शन लिया, कुछ नंबर्स आपने फोन की मेमोरी बुक में डाले, कुछ नंबर आपने सिम की मेमोरी बुक में डाले, आप 2-4-10 साल के लिए अमेरिका या कहीं दूसरे देश चले गए, आप जब वापस लौट करके आएंगे तो उसका
जो फोन का जो सिम है वो एक्टिवेट तो नहीं होगा, टावर से सिग्नल आकर के बात तो ना हो सकेगी, लेकिन सिम में जितने नंबर आपने सेव किए थे, मोबाइल में जितने नंबर सेव किए थे, वो रिफ्लेक्ट होंगे। वो कर्माज था एक्चुअली, आपने एक ही कर्म, एक ही बार उस आदमी को फोन मिला पर वो कर्म बन गया, सेव कर लिया आपने उसको। तो जो कर्म आपने किया वो निश्चित रूप से सेव होता है, वो सिंचित होता है, उसके प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए होश की सारी विधि की व्यवस्था की गई है, वकालत की गई है कि आप होशपूर्वक रहें। दीक्षा का एक बड़ा उद्देश्य आपको होशपूर्वक बनाना है, अटेंशन विदाउट टेंशन, नियर टू गॉड, नियर टू नेचर, नियर टू योर सेल्फ, अपने स्वयं के नज़दीक हो जाना। और जब आप अपने स्वयं के बहुत निकट होते हैं तो आप परमात्मा के ही निकट होते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है। Yeah.